रावण ने शंकर भगवान की जैसी तपस्या करी ऐसी तपस्या किसी महात्मा ने की क्या? जोर से बोलो। किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने पान आम पत्ते चढ़ा दिए, बेल पत्ते चढ़ा दिए, किसी ने दूध घी बूरा चढ़ा दिया। रावण ने तो अपने 10 सर चढ़ाकर तांडव स्तोत्र की रचना कर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया था। ऐसी तपस्या किसी दूसरे ने की? दोबारा एक बार और बता दो। एक आखिरी बार बोलूंगा मगर सबको मिलके बताना, घबराना नहीं। अभी तो कथा शुरू हुई है, वचन दे दिया 9 दिन वही सुनाऊंगा जो किसी ने नहीं सुनाया। सच बताओ, रावण को शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? बोलो ना, रावण को शिव के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को मां पार्वती के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को श्री राम के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को हनुमान के दर्शन हुए कि नहीं हुए? रावण को सीता माता के दर्शन हुए कि नहीं हुए? यदि धनवान बलवान आयुष्मान यशस्वान कीर्तिवान सौभाग्यशाली होता, तपस्या करने वाला भजन करने वाला सौभाग्यशाली होता और ईश्वर के दर्शन करने वाला सौभाग्यशाली होता तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली में किसका नाम आना चाहिए? पर रावण को कोई सौभाग्यशाली कहेगा क्या? बोलो ना। अरे रावण का नाम तो इतना गंदा हो गया, अगर घरवाली कहीं गुस्से में पति को रावण कह दे तो क्या होगा? बोलो ना। नहीं बोलो, झगड़ा झगड़ा होगा। और झगड़ा नहीं, झगड़े में भी रगड़ा होगा और रगड़ा भी तगड़ा होगा। अगर कोई पत्नी अपने पति को रावण कह दे और गुस्से में पति के मैं रावण तो तू मंडोदरी, तो सच बताओ पति का सम्मान होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ हाँ, मैं मंडोदरी बनना चाहती हूं, है ना। आज कोई अपने बच्चों का नाम रावण नहीं लिख सकता। जरा एक बार और बता दो, द्वापर युग में कंस ने कृष्ण के दर्शन किए कि नहीं किए? नहीं सुना, बोलो ना। कंस ने राधा के दर्शन किए कि नहीं किए? कभी कभी लोग कहते मुझे सपने में भगवान दिखाई दिए, मैं तो सौभाग्यशाली बन गया। अरे असल में भी दर्शन दे दे तो भी सौभाग्यशाली नहीं बन सकता। अब तो मेरी बात सही हो गई ना? अभी भी सिर हिला रहे हो, मुंह मत देना। अगर सही है तो फिर आपके मन में चल रहा होगा, महाराज बड़ी से बड़ी आयु प्राप्त करने वाला, धन प्राप्त करने वाला, ज्ञान प्राप्त करने वाला, परिवार कारोबार रिश्तेदार प्राप्त करने वाला, बड़ी बड़ी धर्म कार्य करने वाला, तपस्या करने वाला, प्रभु के दर्शन करने वाला अगर सौभाग्यशाली नहीं है तो फिर सौभाग्यशाली कौन होगा? केवल सौभाग्यशाली वही होता है जिसको जिंदगी में दो चीजें मिल जाती है। कितनी चीजें? और रावण को सारी दुनिया की चीजें मिली पर रावण को ये दो चीज नहीं मिली। कंस को दुनिया की चीजें मिली, दुर्योधन को दुनिया की चीजें मिली पर ये दो चीज नहीं मिली। कौन कौन सी चीज? क्योंकि ये दोनों चीजें केवल भगवान की कृपा से मिलती है और बाकी की दुनिया की सारी चीजें आयु विद्या धन बल ज्ञान परिवार रिश्तेदार कारोबार व्यवहार संस्कार आचार बड़ी
बड़ी से बड़ी तपस्या और ईश्वर के दर्शन ये भगवान की कृपा से नहीं मिलते, ये आपके किए गए कर्मों के अनुसार फल प्राप्त होता है। इसलिए पापी से पापी को भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं, पापी से पापी भी तपस्या करता है, धर्म करता है, तीर्थ करता है, पूजा करता है, पाठ करता है। ये सब अपने अपने कर्मों के अनुसार भगवान देते हैं, लेकिन ईश्वर की कृपा से जो मिलता है वो केवल दो चीज मिलते हैं। और ईश्वर की कृपा से जिस दिन ये दो चीज मिल जाए, समझ लेना कि तुम सौभाग्यशाली नहीं परम सौभाग्यशाली बन गए हो। पहली चीज है किसी तपस्वी विद्वान ज्ञानी संत के दर्शन हो जाए। पहली चीज क्या है? किसी ज्ञानी तपस्वी साधक संत के दर्शन हो जाए, और दूसरा उस संत के मुख से भगवान शिव की कथा को सुनने का समय मिल जाए। केवल दो चीजें दुर्लभ हैं जो किसी पापी को नहीं मिली। जरा बताओ, रावण को सब कुछ मिला, कभी संत के दर्शन हुए क्या? बोलो, रावण की लंका में कभी सत्संग हुआ क्या? कंस को कभी संत के दर्शन हुए क्या? कभी कंस के राज्य में कोई संत ने जाकर कथा करी क्या? ऐसा तुलसीदास जी बता रहे हैं।